नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कहते हैं बिहार और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का है, क्योंकि बिहार और नेपाल के बीच में व्यापार के साथ साथ शादी ब्याह भी खूब होता है। यही कारण है कि भारत और नेपाल के रिश्ते को प्रगाढ़ करने की लगातार कोशिश भी जारी रहती है। इसी कड़ी में अब नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले और हजारों पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जिसके तहत ही मधुबनी के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक जल्द ही रेल की सेवा शुरू होने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय और भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने जयनगर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है। जयनगर से जनकपुर कुर्था के बीच ट्रेन चलाने के लिए ट्रेनों का परिचालन होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब संभावनाएं यही है कि मिथिलांचल के लोगों को नए साल में इंडो नेपाल रेल सेवा की सौगात मिलने वाली है। इसको लेकर हाल ही में गृह मंत्रालय समेत समस्तीपुर रेल मंडल के तमाम आला अधिकारियों ने जयनगर स्थित भारत और नेपाल के रेलवे स्टेशनों का दौरा कर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही साथ स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़े इंतजामों की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों के दल ने स्पेशल ट्रेन में बैठकर जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेल लूट का भी विंडो निरीक्षण किया। इस दौरान ही गृह मंत्रालय के ईडी त्रिभुवन मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और नेपाल दोनों ही रेलवे स्टेशन पर लगभग सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस रूट पर रेल सेवा कब शुरू होगी, इसको लेकर दोनों देश के बीच हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल जनकपुर जाने वालों की संख्या बिहार से काफी बड़े तादाद में रहती है, क्योंकि कई श्रद्धालु जनकपुर जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रेन सेवा की शुरुआत हो जाए तो पर्यटन को भी खूब बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बड़ी तादाद में बिहार से नेपाल दैनिक यात्रा करने वालों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्थानीय लोग सालों से जयनगर जनकपुर के बीच में रेल सेवा शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि इस रूट पर रेल सेवा की सौगात मिलने के बाद मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, साथ ही आने वाले समय में कला और संस्कृति की समृद्धि विरासत को भी नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।